हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ये हूँ मैं ट्रेन पे और ये ट्रेन जा रही है गोवा। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए गोवा में। तो ये ब्लॉग है उसी पे, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ये है गोवा का मार्केट। हम लोग को कुछ यहाँ पे शॉपिंग करनी थी, कुछ बियर की बॉटल्स और वाइन, ये भी तो लेना होगा। अब गोवा आए तो इसे कैसे छोड़ दे। तो ये देख सकते हैं गोवा का एक फेमस मार्केट है, और मेरे साथ है मेरे बिग ब्रदर, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, और अमरजीत बड़े बैग के साथ। हम लोग पूरी तैयारी करके आए हैं, तो पूरा धमाल मचाना है और हैप्पी न्यू ईयर को हैप्पी बनाना है। तो बियर और वाइन की बोटल्स लेने के बाद हम लोग लिए बस, और ये बस हमें पहुंचाएगी बीच एरिया के पास, जहाँ पे बागा बीच, कलंगुट बीच, ये सारे आसपास के बीचेस हैं। तो ये हम लोग बस से उतर गए हैं। उतरने के बाद थोड़े से डिस्टेंस पे करीब हमें 500 मीटर चलना पड़ा। चलने के बाद देख सकते हैं हम लोग बीच एरिया पे आ गए। यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है न्यू ईयर को लेकर। यहाँ पे पूरे देश से और पूरे विदेश से भी यहाँ पे लोग आते हैं न्यू ईयर मनाने के लिए, और यहाँ का बीचेस बहुत ही ज़्यादा अभी क्राउड है। देख सकते हैं बहुत ही लोग हैं यहाँ पर। और ये हमारे सामने है समुद्र, समुद्र में कुछ जहाज़ नज़र आ रहे हैं और लोग हैं जो कि मस्ती के माहौल में है। तो अभी शाम के 6 बजे हैं और कुछ ही देर में रात हो जाएगी, और रात का रौनक दिखाते हैं आपको नेक्स्ट। तो यहाँ पे इस तरीके के बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं और क्लब्स हैं, देख सकते हैं हवाना, लास वलास और भी बहुत सारे, जहाँ की पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। तो यहाँ पे आप एक कुछ एंट्री चार्ज देके, जैसे कि 500 या 1000 देकर आप इसमें मशहूल हो सकते हैं। तो आगे आप ब्लॉग देखें और एंजॉय करें। हम लोग कहाँ है ब्रो? इट्स गोवा ब्रो, गोवा। मजा आ रहा है ब्रो? ये आउट है। इट्स ऑन द बीच। ये आउट है? इज आउट, एक में आउट है। हाँ, तो आप क्या इधर तक चट्टी में देख कितना बालू लेके बैठा है। तो कुछ देर बाद हमें ये नज़ारा देखने को मिला कि गाने उधर बज रहे थे लेकिन डांस लोग इधर कर रहे थे। मतलब अगर आपके पास पैसे ना भी हो, अगर आप क्लब में ना भी हो, तो यहाँ पे आप मजे कर सकते हो। और कुछ दूर जाते ही हमें नज़र आया बागा बीच का साइन बोर्ड, और ये देखिए बागा का ए, शायद ये भी पार्टी मनाने चला गया है। तो वक्त हो गया था 11:50 और आसमान में सिर्फ आतिशबाजी ही आतिशबाजी नज़र आ रही थी। मतलब 11:50 में यहाँ पे आतिशबाजी शुरू हो गई थी। यहाँ पे जितने क्लब्स थे और जितने क्लब्स के ओनर लोग थे, या आप भी यहाँ पर आतिशबाजी कर सकते हैं। थोड़ा और वक्त बीता तो हमने देखा कि आसमान में सिर्फ फायरवर्क्स ही नज़र आ रहे थे, सिर्फ पटाखों की गूंज और आसमान में ये लाइट्स पटाखों की, उन्हीं से आसमान रोशन हो गया था। और ये देख सकते हैं जहाँ तक बीच पे मेरी नज़र जा रही थी, सिर्फ आतिशबाजी मतलब फायरवर्क्स ही नज़र आ रहे थे डिफरेंट तरीके के। और यहाँ स्टार्ट हो गया था काउंटडाउन, 3, 2, 1, हैप्पी न्यू ईयर। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरा नज़ारा, यहाँ पर सारे लोग उत्साह में हैं और एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर की विश दे रहे हैं। तो ये था मेरा गोवा में पहला दिन। अभी मैं गोवा में एक सप्ताह के लिए स्टे करने वाला हूँ, और इस चैनल पे और भी वीडियोस आएंगे गोवा के, और भी बीचेस पे हम जाएंगे और भी मज़े करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।